चैनल। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप मेरा पहले भी वीडियो देख चुके हैं तो यहाँ पे फिर से आने के लिए धन्यवाद। आज का मेरा वीडियो है एक्ने यानी कि मुहासों के बारे में। हम सबको मुहासों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सब बहुत कुछ राय देते हैं, ज़्यादा पानी पियो, ये मत करो, वो मत करो, तला भुना मत खाओ, लेकिन अगर मुहासे आने शुरू हो जाते हैं तो हम चाहे कुछ भी कर लें उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने मुहासों को कैसे कम किया या फिर कैसे हुआ, यानी कि मुझे भी मुहासे बहुत ज़्यादा आते थे। लोग अगर मेरे घर पे आते थे तो मैं चाहे कितने भी तरह का खाना बना लो, लोग खाने पे ध्यान नहीं देते थे, मेरे मुहासे पे ही देते थे, ये कैसे हुआ, ये कैसा लग रहा है, इसके लिए तुम कुछ ले रही हो कि नहीं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या अपने रूटीन में बदलाव किया, मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस किए जिससे मुझे फ़र्क पड़ा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिलती है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अपने रूटीन में शुरू किया, मैंने सुबह सुबह उठने के बाद एक गिलास गर्म पानी पीना स्टार्ट किया। मुझे पता है मुझे पानी उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और वे खास करके सुबह खाली पेट पानी पीना मेरे लिए बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, मतलब उससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया और मैंने करीब करीब सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला काम होता था वो एक गिलास पानी पीने का होता था, उसके बाद ही मैं कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह लेती थी। उसके बाद मैंने जो दूसरा चीज़ किया, मैं हमेशा यूज़ करती थी एक ही टॉवल पूरे बॉडी के लिए, मतलब अगर एक तौलिया है तो उसे मुंह भी पोछ लिया, हाथ भी पोछ लिया, और मतलब मैंने उसको चेंज नहीं करती थी। तो मैंने दूसरा जो उपाय किया वो मैंने अपने चेहरे के लिए खास करके एक अलग सा तौलिया यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, वो मैं और कहीं भी यूज़ नहीं करती थी। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा। इन दोनों के बाद मैंने बहुत इधर उधर देखने के बाद बहुत गूगल पे सर्च करती ही रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे थोड़ा बहुत भी फ़र्क पड़े, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी थी, वो बिल्कुल ही बेकार थे, कुछ भी नहीं होता था, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होता था। आप चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लें, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। उसके बाद मैंने शुरू किया लगाना एक ही प्रोडक्ट, मैं बता रही हूँ सिंपली एक ही प्रोडक्ट। मैं अपना चेहरा फेस वॉश से वॉश करती थी जो नॉर्मल होता है, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लगाती थी, लिटरली मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट की। बहुत ही चीप है, पता नहीं इंडिया में मिलेगा कि नहीं, मैं तो यहाँ यूके की बात कर रही हूँ। अगर मुझे लिंक मिला इंडिया का भी तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी, लेकिन जो लोग लंदन में रहते हैं, यूके में रहते हैं, वो लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं, बहुत ही चीप प्रोडक्ट है। और इससे लगाने के बाद आप अपने आप ही एक बहुत ही अलग सा निखार चेहरे पे देखना स्टार्ट कर देंगे, मुहासे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप लगाओगे और रात भर में लगाओगे, सुबह उठ के देखोगे कि आपका चेहरा एकदम से क्लियर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसे लगाते रहोगे और एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करोगे, जैसे चेहरे को दो बार धोना, ठीक से पानी पीना, ज़्यादा इधर उधर का अगर आप बोलो तो धूल प्रदूषण से जितना आप कोशिश करें दूर रह सकें, यानी कि पॉसिबल तो नहीं हो पाता, खासकर हम कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रिकॉशन किया ही जा सकता है। जैसे कि आप बाहर से कहीं से भी आ रहे हो तो सबसे पहले अपना चेहरा वॉश करें, उसे कुछ एक टोनर लगाएं जिससे उसका सारा थकावट दूर हो जाए, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया जिसकी वजह से मुझे अपने आप में कुछ बदलाव नज़र आए, और लोगों ने भी मुझे एक कम्प्लीमेंट देना शुरू किया कि हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है। या तो पहले तो नौबत ऐसी आ गई थी कि मुझे लगता था मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या पता नहीं, हाँ मैं गई भी थी, हालांकि उसने कुछ भी काम नहीं किया, मैं सच बता रही हूँ उससे कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन इस प्रोडक्ट ने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। अब पता नहीं, यहाँ तो मुझे आसानी से मिल जा रहा है, मैं इंडिया जाके क्या करूँगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ के लिए आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो में आके ज़रूर एक नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। मैं दोस्तों, मेरा जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है, आप देख सकते हैं, बोटैनिकल यूके का पम्पकिन एंड पपाया एंजाइम डेली एक्सफोलिएटर। इसका जो सबसे पहला मैंने फ़र्क देखा कि मेरे स्किन में जो फेस वॉश लगाने के बाद इतनी ड्राइनेस सी आ जाती थी, वो इसे लगाने के बाद आप किसी कॉटन पैड में लीजिए और इसे चेहरे में थोड़ा थोड़ा करके डैम्प करके लगा लीजिए, उसके बाद आप एक अलग सा ही चीज़ देखेंगे इसमें। इसके बाद आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि ज़रूरी है, आपके फेस वॉश करने के बाद आपका जो मॉइस्चर खो जाता है
उसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा कुछ भी मॉइस्चराइजर जो भी आपको सूट करता हो वो लगाएं, लेकिन इसने बहुत ही ज़्यादा काम किया और ट्रस्ट में अगर आप इसे एक बार यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ज़रा भी मदद मिली हो और अगर आपको कुछ फ़र्क पड़ता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और नीचे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।